और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के एमपी मतलब मध्य प्रदेश वाले बयान पर कहा कि ऐसे बयान देकर उन्होंने मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का अपमान किया है, इसलिए उन्हें शर्म आनी चाहिए जो इस तरह का बयान दिया गया है। इस अवसर पर उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा के अलावा मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज आज खजुराहो में आयोजित G20 समिट में सम्मिलित होने पहुंचे थे। इस दौरान वह खजुराहो के चिल्ड्रन पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। आज अध्यक्ष जी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ वृक्षारोपण किया। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सारे खतरों से निपटना है तो एक बड़ा कारगर उपाय है वृक्षारोपण, और इसलिए रोज हम वृक्षारोपण करते हैं। खजुराहो हमारी कला की राजधानी है, और 2 साल पहले जब हम यहाँ एक कार्यक्रम में आए थे तब ये तय किया था कि विश्व भर के लोग यहाँ आते हैं, तो मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, हमारी परंपराएं, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, क्योंकि जो विविधता है मध्य प्रदेश में भी वो अद्भुत है। उसका हर रंग बाहर से आने वाले मेहमान देखें, इसलिए यहाँ आदिवर्त का निर्माण किया गया है। अभी उसको और समृद्ध करना है, लेकिन अपने आप में वो अद्भुत है। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो G20 देशों के संस्कृति समूह के 125 सदस्यों की डेलीगेशन का स्वागत कर रहा है। अपने विदेशी मेहमानों का बुंदेली परंपरा के अनुसार उनका जगह जगह बुंदेली नृत्य से स्वागत किया गया। स्वागत की ऐसी डोर की विदेशी मेहमान भी लोक कलाकारों के साथ झूमने को मजबूर हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में G20 के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री जी कृष्णन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने आदिवासियों के जीवन शैली पर आधारित मध्य प्रदेश जनजातीय एवं लोक कला विभाग द्वारा आदिव्रत संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में आदिवासियों के परिवार से सीएम मिले, और साथ ही सीएम सहित सभी मंत्रियों का आदिवासियों ने परंपरागत वेशभूषा पहनाकर स्वागत किया। भगवान बुद्ध के विचारों से आदिवर्त के रूप में के पथ पर अग्रसर हुए, और हमारे जनजाति समाज के विचार को दुनिया में विस्तारित करने का रहन सहन, वेशभूषा, परंपराएं, धर्म, संस्कृति, खान पान, देवता, खेती, जैसा उनका जीवन है, अलग अलग जनजाति समाज का वहां प्रदर्शित किया गया है। मध्य प्रदेश की संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो पूरी दुनिया में जाए। और आगे बढ़ते हैं। विधायक कांतिलाल भूरिया आज झाबुआ में प्रेस से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हीरालाल की भील प्रदेश की मांग का समर्थन किया। उन्होंने जनजातीय समाज के विकास के लिए इसे जरूरी बताया। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी की विकास यात्रा को विनाश यात्रा करार दिया। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। इसी के साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद भी जता दी। ये सब सारी छटनी करने का काम करना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में बस झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करने का ही काम किया। विकास की बात तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास हिम्मत नहीं है। अलग प्रदेश बनाने के लिए धन की भी जरूरत पड़ेगी, लोगों को विश्वास में भी लेना पड़ेगा, और कौन सा प्रदेश में कौन सा गांव, कौन सा ब्लॉक, कौन सी तहसील, कौन से प्रदेश में जाएगी, तो
तो ये सब सारी छटनी करने का काम करना बहुत जरूरी है। अगर अलग से प्रदेश बनता है तो अच्छा है, ताकि उसका बजट भी अलग से आए और आदिवासियों को सीधा उसका फायदा मिले। और छतरपुर के राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विकास यात्रा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखनलाल पटेल ने कहा कि बीजेपी विकास यात्रा को जनता ने निकास यात्रा के रूप में बदल दिया है। आज जगह जगह विकास यात्रा का विरोध हो रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक और पदाधिकारियों को गांव से खदेड़ा जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने विगत 18 वर्षों में विकास किया होता तो आज विकास यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो भाजपा की मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है, उसको जनता ने निकास यात्रा के रूप में बदल दिया है। इसी मुद्दे पर आज जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल पूछे हैं, जो आपके बीच में रखे हमने। तो जनता, प्रदेश की जनता शिवराज सिंह से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब चाहती है कि 18 साल के शासनकाल में तुमने क्या किया। जनता को आज जनता परेशान है पूरे प्रदेश की, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, चाहे हमारे व्यापारी भाई हो, हर जगह, चाहे महिलाएं हो, हर जगह परेशान है लोग बाग, चाहे महिला अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगार, हमारे रोजगार नहीं मिल रहा है और GST से हमारे व्यापारी बंधु परेशान हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। G20 समिट के तहत विदेशी मेहमान खजुराहो पहुंचे, जहां स्थानीयों ने बुंदेली संस्कृति के साथ मेहमानों का स्वागत किया। पारंपरिक परिधान पहने स्थानीयों ने लोकगीतों के साथ मेहमानों का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, मध्य प्रदेश के MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी शामिल हुए। छतरपुर मध्य प्रदेश खजुराहो पहुंचे विदेशी मेहमान G20 समिट के तहत खजुराहो पहुंच रहे हैं। बुंदेली संस्कृति की अनोखी झलक यहाँ पर इस दौरान देखने को मिली। और आगे बढ़ते, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये अधिवेशन 24 से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। साथ ही अधिवेशन में कांग्रेस को बेहतर करने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। रायपुर मध्य प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का होगा। इसी के साथ कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 24 से 26 फरवरी तक यह अधिवेशन होगा। तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता इस अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। यह अधिवेशन जो है 24 से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। आयोजन के लिए जो है बड़े बड़े डोम जिस तरह से तैयार किए गए, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो एक बड़ा डोम तैयार किया गया है, जिसमें जो है कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जो जिस तरह से इस अधिवेशन में जो तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं, तमाम जो लीडर्स यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, वो इस मंच के माध्यम से ही जो है इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तमाम जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो बड़े नेता हैं, वे यहाँ पर पहुँचेंगे और इस एयर कंडीशन जो डोम बनाया गया है, इसमें में जो है वो तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुँच कर जो है अपने जो कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय अधिवेशन जिस तरह से इनका 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, उस अधिवेशन को यहाँ पर जो है इस मंच के माध्यम से अंजाम दिया जाएगा। और यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर हैं, जिस तरह से सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से वे हैं, तमाम जो लीडर हैं, वे उनका पहुँचना राजधानी रायपुर में चालू हो चुका है। और वे जिस तरह से आज मल्लिकार्जुन खड़गे पहुँचे हैं और जिस तरह से इनका 24 से लेकर 26 तक जो कार्यक्रम है वे लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। और 3 दिनों का महाअधिवेशन राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें कांग्रेस के पूरे देश भर से तमाम लीडर यहाँ पर राजधानी रायपुर पहुँचेंगे और इस 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन को यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। तमाम जो एजेंडे रहेंगे, तमाम जो उनकी बात रहेंगे इस अधिवेशन में, उनको
उस बातों को रखा जाएगा और हर एक जिस तरह से स्टीयरिंग कमेटी की जो चुनाव है उस चुनाव को भी यहाँ पर इस अधिवेशन के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो चेयर्स यहाँ पर लगा हुआ है और एक बड़ा सा ये हॉल यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर जो है कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर यहाँ पर शामिल होंगे और इस अधिवेशन को इस मंच के माध्यम से ही यहाँ पर साझा किया जाएगा। और तमाम जो बड़े लीडर हैं देश भर से भी राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुँचना शुरू हो चुका है और कल का वो दिन रहेगा जिस दिन जो है कांग्रेस के तमाम जो लीडर यहाँ पर पहुँच कर इस अधिवेशन को इस मंच के माध्यम से जो है इस जो महाधिवेशन उसको यहां पर संपन्न करेंगे। कैमरामैन मिथिलेश के साथ अनिल नेताम, नेटवर्क 10 रायपुर। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को बदनाम करना कांग्रेस का स्वभाव बन चुका है। कमलनाथ का मध्य प्रदेश को मदुरा प्रदेश कहना भी प्रदेश को बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। कमलनाथ जी, आप तो मुख्यमंत्री रहते हुए महिलाओं के लिए अलग से शराब बार खोल रहे थे, आप आते बंद करते का जो निर्णय है वो स्वागत नहीं कर सकते, तो आप प्रदेश की जनता को बदनाम भी मत करिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिवराज सरकार ही है जो शराब से दूर रहने के निर्णय लेती हुई आई है और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता हमारे काम से बेहद खुश है, हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री मध्य प्रदेश ग्वालियर की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। ये वही कमलनाथ जी हैं जो महिलाओं के लिए अलग से सॉफ्ट बार खोल रहे थे, ये वही कमलनाथ जी हैं जो होम डिलीवरी करा रहे थे शराब की, इनको शराब पर बोलने का हक ही नहीं है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है कि 10 साल में एक भी नई दुकान नहीं खुली है, 64 दुकानें नर्मदा किनारे की हमने बंद कर दी मध्य प्रदेश के अंदर, और अभी मध्य प्रदेश के सारे अहाते बंद कर दिए। ऐसे निर्णय जिनसे शराब से पीने से लोग दूर हों वो निर्णय सिर्फ शिवराज सरकार कर रही है। और आगे बढ़ते हैं, खजुराहो में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष का ये बयान देना कि मध्य प्रदेश मदिरा प्रदेश है, कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है, पूरे मध्य प्रदेश को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का जो अपमान किया है, एक जिम्मेदार व्यक्ति, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा यह बयान देना कि मध्य प्रदेश मदिरा प्रदेश है, ये 8.5 करोड़ जनता का अपमान है, पूरे मध्य प्रदेश को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, इसलिए मैं उनकी इस बयान की कड़ी आलोचना ही मात्र नहीं करता हूं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का जो अपमान किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ और देश के कई प्रबुद्ध लोगों से बैठ करके जो सुझाव आए हैं उसके आधार पर आप मुझे बताइए कि अगर अहाते बंद कर दिए गए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तो ये स्वागत योग्य कदम है कि आलोचना का कदम है। और छतरपुर के राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ जिसमें विकास यात्रा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखनलाल पटेल ने कहा कि बीजेपी विकास यात्रा को जनता ने निकास यात्रा के रूप में बदल दिया है, आज जगह जगह पर विकास यात्रा का विरोध हो रहा है, बीजेपी के पूर्व विधायक और पदाधिकारियों को गांव से खदेड़ा जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने विगत 18 वर्षों में विकास कार्य किए होते तो आज विकास यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। माननीय पत्रकार महोदय, आप लोगों के पास आगे की खबर रहती है तो किसानों का खेत का पानी रोक करके खजरा बनाई गई है। आज जो भाजपा की मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है उसको जनता ने निकास यात्रा के रूप में बदल दिया है। इसी मुद्दे पर आज जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल पूछे हैं जो आपके बीच में रखे हमने,
तो जनता, प्रदेश की जनता शिवराज सिंह से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब चाहती है कि 18 साल के शासनकाल में तुमने क्या किया। जनता को आज जनता परेशान है पूरे प्रदेश की, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, चाहे हमारे व्यापारी भाई हो, हर जगह, चाहे महिलाएं हो, हर जगह परेशान लोग बाग, चाहे महिला अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगार, हमारे रोजगार नहीं मिल रहा है और जीएसटी से हमारे व्यापारी बंधु परेशान हैं, तो ये सारे मुद्दे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरबा में मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के आवास का घेराव करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की अगुवाई में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पावर हाउस रोड पर विशाल रैली निकाली और जयसिंह अग्रवाल के आवास को घेरने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक की हुई। धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को पीएम आवास योजना से वंचित कर दिया गया है, इसकी जिम्मेदार भूपेश सरकार है। साथ ही कहा कि आने वाले चुनाव में भूपेश सरकार और मंत्री जयसिंह अग्रवाल की विदाई तय। और इसी के साथ खजुराहो पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने G20 के सफल आयोजन को लेकर प्रदेश के सीएम के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा का आभार व्यक्त किया। इसके साथ उन्होंने 52 दिन तक प्रदेश सरकार की तरफ से चले अब स्वच्छता अभियान की भी तारीफ की। और बाकी पूरी टीम यहाँ पर आकर, खजुराहो आकर इतना मन को शांति मिली और इतना सुंदर लगा कि मेरे से रहा नहीं जा रहा, बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष जो अवस्थी जी हैं और यहाँ के सांसद पीवी शर्मा जी और बाकी पूरी टीम, अरविंद जी, अरुण जी, सबको बहुत बहुत आभार। इतना सुंदर, इतनी सफाई, इतना मेहमान नवाजी कि जिसके लिए हृदय से धन्यवाद कहा जाए तो वो कम है। और सच मायनों में मध्य प्रदेश प्रशासन और मुख्यमंत्री जी सबका बहुत बहुत आभार कि सबने मिलकर इतना सुंदर अरेंजमेंट किया कि दिल खुश हुआ हमारा तो, और भारत का भी नाम ऊपर करने में आप लोगों ने सहयोग किया। G20 देशों के आगे जो आज का हमारा पहला वर्किंग ग्रुप था कल्चर का, संस्कृति मंत्रालय का, सबकी ओर से मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, खासतौर पर मध्य प्रदेश की जनता का भी, जो खजुराहो की जनता जिसने साथ लगकर अपने शहर को साफ और सुंदर रखा। और चलिए आगे बढ़ते, दंतेवाड़ा के गीदम ब्लॉक के कटुलार पंचायत के लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत करके कहा कि उनके गांव के कुछ लोग लेबर का कार्य करने तमिलनाडु गए थे। प्रशासन को मिली शिकायत के अनुसार वहां गए सभी मजदूरों से ठेकेदार बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार कर रहे थे और वहीं पिछले 7 महीनों से वहां काम कर रहे मजदूरों को ना तो मजदूरी दी जा रही है और ना ही वापस आने दिया जा रहा है। साथ ही मजदूरों के साथ मारपीट भी की जाती है। शिकायत प्राप्त होते ही दंतेवाड़ा जिला का श्रम विभाग अलर्ट मोड पर आ गया और लगातार संपर्क बनाकर सभी मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से छुड़ाकर सही सलामत वापस लाया गया। ये शिकायत ये है कटुलनार से, बारसूर के पास कटुलनार के श्रमिक हैं जो कि काम करने के लिए तमिलनाडु गए हुए थे कृष्णागिरी। यहाँ पे काम करने के बाद इनका पेमेंट नहीं हो रहा था तो इन्होंने, इनके परिवार वालों ने इसको शिकायत किया कि उन वहाँ काम करने गए हैं, उनको वापस लाना है। हमारे पास शिकायत आया श्रम विभाग में, तो इसमें कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार फिर हम लोग उनसे संपर्क करके उनके पेमेंट दिलवाने के लिए कार्यवाही किए हैं। अभी चर्चा चल रही है, उसके ठेकेदार के द्वारा कहा गया है कि 1 या 2 मार्च को उनका पेमेंट कर दिया जाएगा, अगर पेमेंट नहीं करता है तो उन उस पर अगली कार्यवाही की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते, ग्वालियर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी की विकास यात्रा पर कई सवाल उठाए।
नेता प्रतिपक्ष ने विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताते हुए कहा कि आज प्रदेश का हर व्यक्ति लगभग 45,000 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज पर कर्ज लेती चली जा रही है, जिसे विकास का नाम दिया जा रहा है। गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार विपक्ष से सवाल कर रही है। साथ ही कहा कि जनता ने बीजेपी की 18 वर्षों से चल रही सरकार का काम भी देखा है और कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार का भी। जब बीजेपी ने विकास किया है तो जनता को बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्रा के नाम पर मध्य प्रदेश की खजाने की गाड़ी कमाई को लुटाने का काम कर रही है। विकास नहीं है, जो मध्य प्रदेश की सरकार का विनाश है। इसने मध्य प्रदेश की सरकार को डुबो दिया है। जनता को 3.5 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा लादा। आज प्रत्येक मध्य प्रदेश के नागरिक पर लगभग 45,000 रुपए का कर्जा है। और चलिए आगे बढ़ते, ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके माधव नगर स्थित संगम अपार्टमेंट से 11 वर्षीय नाबालिग के गायब होने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस को नाबालिग के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले, जिसके आधार पर नाबालिग की आखिरी लोकेशन ग्वालियर रेलवे स्टेशन की मिली है। पुलिस द्वारा इस मामले में नाबालिग की तलाश के प्रयास शुरू किए गए हैं। अलग अलग लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही TI थाना झांसी रोड शैलेंद्र भार्गव ने बताया कि संगम अपार्टमेंट से नाबालिग श्रेया गुप्ता 22 तारीख की दोपहर से ही लापता है। उनके पिता ब्रजमोहन गुप्ता की तरफ से इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। बच्ची के गायब होने की सूचना लगभग 3 बजे थाने पर प्राप्त हुई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस टीम लोकल के सारे CCTV कैमरे एवं जो इनपुट है उनको देखते हुए रेलवे स्टेशन तक उसको ट्रैक किया गया है। बच्ची स्वयं जाते हुए दिख रही है और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उसकी आखिरी लोकेशन आई है। इसके बाद बच्ची कहाँ गई है, इस संबंध में अभी टीम लगातार पतारथी की है। और बस्तर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने आमगुड़ा चौक पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिससे 21 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। बस्तर पुलिस लगातार अवैध गांजा परिवहन एवं बिक्री के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में मुखबिर से जानकारी मिली कि अमागुड़ा चौक पर एक व्यक्ति गांजा का परिवहन और बिक्री करने के फिराक में है। थाना कोतवाली टीम के द्वारा अमागुड़ा चौक पर दबिश दी गई और आरोपी सूर्जो भत्रा, जो कि निवासी कोरापुट उड़ीसा का है, उसके कब्जे से 21 KG गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,10,000 रुपये है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात जेल में निरुद्ध किया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 21 का NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और रायगढ़ में पुलिस दिन रात मुस्तैद है। पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ रात में गश्त कर रही है। पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान केवड़ाबाड़ी शिवानगर क्षेत्र से 6 जुआरियों को पकड़ा, जिनसे 32,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को भी पकड़ा है, जिनके पास से चोरी की बाइक भी बरामद हुई। गश्त के दौरान पूरे जिले से 7 स्थायी वारंटी, 35 गिरफ्तारी वारंटी और 25 संदिग्ध युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में निर्देशन में एक कॉम्बिंग दस्ते की पार्टी निकाली गई थी। इस दौरान हमने 10 जगहों पर लगभग चेकिंग पॉइंट लगाया था और 10 अलग अलग टीम बनाए थे, जिनको ये निर्देशित किया गया था कि जो आपके थाना क्षेत्र में फरार स्थायी वारंट है या फरार आरोपी हैं या गिरफ्तारी वारंटी हैं, निगरानी बदमाश हैं, संदेही हैं, सबकी पूछताछ की जाएगी और चेकिंग सघनता से की जाएगी। तो इस दौरान हमको 40 वारंटियों का पता चला, जिसमें से 35 स्थायी गिरफ्तारी वारंट है और 7 स्थायी वारंट है, और साथ ही 109 के लोग हैं, 109 कार्रवाई की गई है, संदेही लोग हैं जिसको पर कार्रवाई की गई प्रतिबंधक, और सबको भी माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।
अब फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।